उसका वो सस्पेंस है भाई, कमेंट करके बताओ जिसको क्या लगता है कि कौन सी बाइक हम बुक करवा रहे हैं। जैसे कि तुमने लास्ट ब्लॉग में कमेंट किया है, 500 प्लस कमेंट हो गए हैं आई थिंक, नहीं अभी 500 तक ही होंगे। जब मैं घर से निकला था ना उस टाइम कमेंट हुई थी 450 प्लस, कुछ ऐसे कमेंट्स थी। और बाकी ना मैं एक बात बोलूं तुम्हें, ये बाइक भी अपना क्रश है भाई, ड्रीम है ये, बहुत प्यारी बाइक है काफी। सो फाइनली गाइस यहां पे अपनी बुकिंग अमाउंट है जो वो की हो चुकी है डन। तो सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो कैसी है अपनी पब्लिक, होप कि यार तुम सब बढ़िया होंगे। तो बढ़िया होने चाहिए मेरी दुआएं आपके साथ है और आपकी मेरे साथ होनी चाहिए। तो आज का दिन काफी ज्यादा स्पेशल है, पहले गाड़ी में बैठ जाते हैं उसके बाद करते हैं तुम सबसे साथ सारी बातें। आज मुझे लेके जाना था भाई स्कूटी, आज मैं सोच रहा था स्कूटी पे व्लॉग बनाया जाए, हेलमेट डाल के अपना सेटअप वेटअप पूरा, एक मोटो व्लॉग हो जाएगा अच्छा सा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ज्यादा तेज बोल रहा हूँ, सांस फूल रही है। तो स्कूटी का टायर हो चुका है पंचर, तो दोबारा से गाड़ी लेके निकलना पड़ रहा है मुझे, बट कोई नहीं। तो दो दिन मैंने व्लॉग नहीं डाले, दो दिन से देख रहा हूँ भाई कमेंट बॉक्स में ना लड़ाई लगी हुई है, ड्यूक 250, RC 390। सो फिलहाल अभी मैं बताऊंगा नहीं तुम्हें कि कौन सी बाइक लेने वाला हूँ कौन सी नहीं, बट हाँ इतना बता देता हूँ भाई कि अभी हम जा रहे हैं भाई KTM के शोरूम। हम मतलब अभी मैं अकेला हूँ, तो अभी आगे से मेरे दो पंटर लोग जाने वाले हैं अपने भाई, तो उनके पास जाऊंगा, उनको साथ लेके जाऊंगा। तो अपनी बाइक क्या जो वो बुक कर देंगे और वेटिंग पीरियड चेक करेंगे भाई कितना है कितना नहीं। आगे ना बकरी आ गई है यार, साइड देखो। तो अभी तो चलते हैं जाके, देखते हैं क्या सीन रहता है, कितना वेटिंग पीरियड है कितना नहीं, और अगर ज्यादा वेटिंग पीरियड हुआ यार, एक सेकेंड यार इसको लगाना जरूरी है, वरना ये बोलता रहेगा हमारे लिए ही बोलेगा क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। तो हाँ तो जाके देखते हैं वेटिंग पीरियड कितना है, अगर वेटिंग पीरियड हुआ ज्यादा एक महीने के करीब तो हो गया ही होगा जहां तक मुझे लगता है, तो उसके एक महीने के बीच में व्लॉग कैसे बनाऊंगा। जैसे कि तुम्हें पता ही है दो दिन मैंने पहले भी व्लॉग नहीं डाला है इसी चक्कर में, क्योंकि बाइक तो है नहीं तुम्हारे भाई के पास और स्कूटी का टायर पंचर पड़ा हुआ है, तो वो भी नहीं लगवाया मैंने अभी तक। तो लेट्स सी कि क्या सीन रहता है। अभी आज शाम को शायद मुझे बाइक का कोई इंतजाम करना पड़ेगा, कोई बाइक लानी पड़ेगी घर पर, आसिफ की बाइक लाने की सोच रहा था आज शाम को, देखते हैं अगर वो बाइक मैं ले आया घर पे तो फिर तो मजा आ जाएगा। अभी मैं निकल चुका हूँ भाई घर से, तो जाके मिलता हूँ उन भाइयों से, जाके शोरूम में बात वगैरह करते हैं बाइक की, पेमेंट वगैरह का जो भी सीन रहेगा तो करेंगे वो देंगे। तो फिर आज शाम तक का दिन कैसा जाता है कैसा नहीं, व्लॉग में बने रहो, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आज काफी मजा आने वाला है ठीक है। तो चलो भाई मैं पहुंच चुका हूँ भाई इस वाली शॉप पे, फैसल भाई को लेने, अपने कुरेशी भाई को लेने, इनको भाई घर घर से उठाना पड़ता है। सुबह मैं इसके पास आया ना तो मेरे को बोलता आज बाइक बुक कर रहे हैं तो आज पार्टी तो होनी चाहिए। हमारा सीन पता क्या, अगर कोई नया फोन भी ले लिया, अगर कोई फोन बेच भी देना फिर भी पार्टी होती है। तो अभी ये आ रहा है, इसका कर रहा हूँ मैं वेट, तो जैसे ही वो आता है फिर निकलते हैं सादिक भाई के पास, और गाड़ी में पेट्रोल भी डालना है, बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है, देख रहे हो डंडी जमगगा रही है ये देखो। गाइस अभी मैं निकाल रहा हूँ इसे दुकान से, दुकान पे पहुंचते इसने मेरे को ना काम लगा दिया था, पता है ये टी शर्ट है ना जो ये मैंने फोल्ड करके रखी है यहाँ पे, पता है ऐसा दोस्त मिलेगा तेरे को कहीं पे जो काम करने वाला हो भाई। क्या बात है, अभी ना नया सामान लेने जा रहे है, दिल्ली जाना है ना शायद, मैं अभी जाऊँ पक्का पता नहीं है। तो अभी निकलते हैं सादिक भाई के पास, चलते हैं यार काफी ज्यादा लेट हो गया, चलो चलते लेट हो गया, चलते कब जाएगा यार देखना, अभी सार आकर कर लेना वापस आके। तो चलते हैं भाई दोबारा से गाड़ी में, बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी गाड़ी ठंडी हुई थी एसी से, बट दोबारा से गंदी हो गई है, इतनी ज्यादा गाड़ी गंदी हो रखी है ना, दो दिन से सोच रहा हूँ कि वॉश करवाऊँ, बट दो दिन से ना बारिश हो रही थी जम्मू में, ये देखो धूल देख रहे हो, तो उस वजह से मैं वॉश नहीं करवा पाया। तो चलो चलते हैं भाई, तशरीफ लाए गलती हो गई ना, मतलब बैठो सर, इज्जत हम ना सादिक भाई की बहुत इज्जत करते हैं, हम पीछे बैठे हैं, शादी में चलाओ गाड़ी यार, ड्राइवर लाया था मैंने करके यार। पता है अपने ब्लॉग में बोल रहा है मैंने ड्राइवर लाया। सो फाइनली गाइस यहाँ पे अपनी गाड़ी लग चुकी है, तो अभी हमें जाना है वहाँ पे ऊपर KTM का शोरूम, हमारे घर से ना मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे। तो चलो भाई, दोनों भाई इतने आज सज धज के आए ना, आज जुमा था और आज ये फोटो शूट पे जाने वाले हैं, और मेरी हालत वैसी की वैसी है, मैं जैसा था सोया था उठा था फेस वॉश किया फटाफट और आ गया नहा धो के, अभी चलते हैं सीधा ऊपर KTM के शोरूम। सो फाइनली लिफ्ट में पहुंच चुके हैं, मेरे को अभी भी याद है एक बार हमारे साथ क्या सीन हुआ था, इस लिफ्ट में कम से कम 7-8 से ज्यादा बंदे घुस चुके थे और लिफ्ट ओवरलोड हो चुकी थी, तो दिक्कत मार के बाहर निकल गए। हुंडई की जो हुंडई के जो मैनेजर है वो आए थे, उन्होंने इधर से लोगों को उठाया, लड़कों को बाहर निकाला था, पता नहीं क्या था तब यार,
आप नहीं थे? आज आप हो ना, आज भी रुकी है। अबे कोई हाथ दिखा दे, क्या बात कर रही है? तो सही कहा जाता है? दो 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 पे जाना है। क्या कर रहा है यार कृषि? पता नहीं यार, जिंदा लिफ्ट देखी नहीं कभी। So, yeah. So, guys, अभी हम पहुंच चुके हैं भाई KTM शोरूम में। यहाँ पे तुम देख सकते हो पीछे लगी हुई है Duke 250 और ये भी Duke 250 है और ये रही अपनी 200 भाई 200 के लिए Duke के लिए बोल रहे हैं आप जब मर्जी ले जाओ। और उन दोनों बाइकों की तीनों की ना वेटिंग पीरियड चल रहा है पूरे 2 महीने का। तो अभी पता नहीं है हम कौन सी वाली बुक करवाने वाले हैं, तो व्लॉग में बने रहो। तो यहाँ पे ना एक भी बाइक नहीं है और KTM RC भी यहाँ पे तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या पता KTM RC ले लें या फिर Duke 250 या फिर Duke 200। Duke में कोई भी नहीं, 200 330 250। हाँ क्या बता भाई, क्या पता उसका वो सस्पेंस है भाई। कमेंट करके बताओ जिसको क्या लगता है कि कौन सी बाइक हम बुक करवा रहे हैं। जैसे कि तुमने लास्ट ब्लॉग में कमेंट किया है, 500 प्लस कमेंट हो गए हैं आई थिंक, नहीं अभी 500 तक ही होंगे। जब मैं घर से निकला था ना उस टाइम कमेंट हुई थी 450 प्लस कुछ ऐसे कमेंट्स थी। और बाकी ना मैं एक बात बोलूँ तुम्हें, ये बाइक भी अपना क्रश है भाई, ड्रीम है ये, बहुत प्यारी बाइक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तुम्हें पता ही है Duke 250 का इतना ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है ना इस टाइम पे, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, सारी फैसिलिटीज़ आपको एक ही बाइक में मिल जाएगी। टूर वगैरह लगा रहे हो, ट्रिप वगैरह पे जा रहे हो, तो आपको इस पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। RC पे तुम सोच सकते हो थोड़ा सा, थोड़ी सी दिक्कत होती है RC पे सामान वगैरह कैरी करने के लिए, और भी थोड़ी बहुत चीज़ें बैक पेन स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि मतलब दाग गया था लास्ट टाइम, उस टाइम भी ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, इतनी नहीं हुई थी, हाँ थोड़ी बहुत मैं बोल सकता हूँ। तो ये देखो भाई, वाह यार प्यारी है ना। बस एक ही दिक्कत आ रही है सभी बाइकों की ना, वेटिंग पीरियड चल रहा है सभी बाइकों का, सिर्फ एक बाइक है जिसका वेटिंग पीरियड नहीं चल रहा, वो है ये। और ये मुझे लेनी नहीं है क्योंकि 200 सीसी की है, थोड़ा सा तो अपग्रेड करना है, क्या बोलते हो, है ना। बाकी हमारे सादिक भाई यहाँ पे बैठे हैं, बताएंगे कौन सी बाइक बुक करवानी है। सादिक भाई पार्टी कहाँ होगी, पहले बाइक तो बुक कराओ। सो फाइनली गाइस यहाँ पे अपनी बुकिंग अमाउंट है जो वो की हो चुकी है डन, तो बताऊंगा नहीं कितनी की है कितनी नहीं। तो अभी देखते हैं भाई अपनी बाइक वगैरह कब आती है कब नहीं। सो फाइन गाइस अभी चलते हैं हम शोरूम से वापस। शोरूम में सिर्फ लगी हुई है Duke 250, तो थंबनेल मैंने इसी बाइक का लिया, तो ये मत सोचना कि मैंने Duke 250 बुक करवाई है। भैया ठीक है चलें, कब तक आओगे फिर मेरे को कॉल, कब तक करोगे? एंड अगस्त और सितंबर। ओके ओके बाय। तो भैया बोल रहे हैं कि एंड अगस्त भी हो सकता है या फिर सितंबर एंड भी हो सकता है, मतलब 2 महीने के बीच बीच अगर पहले आ जाते हैं तो आपको कॉल आ जाएगी, अगर लेट आएगी तो देखते हैं भाई, तब तक देखना पड़ेगा। तब तक शादी भाई की बाइक ले जाएंगे या फिर कुरेशी की, वैसे भी ये व्लॉग तो बनाता नहीं है, मेरे बिहाइंड द सीन ले रहा है अब से, बस व्लॉग में ये भी क्या कर रहा है, लिफ्ट टूट जाएगी भैया मारो इसको, आप बोलोगे अभी लिफ्ट जा ही नहीं रही आगे, मतलब नहीं लिफ्ट नीचे नहीं जा रही है यार, कुछ पता नहीं कुछ आ गया लिफ्ट में जाए, बटन दबाया नहीं, कहां जाएगी, क्या कर रहे हो यार, कौन है तुम यार भाई, गर्मी में मार रहे हो दोनों बटन। तो भाई जल्दी दोबारा आएंगे, यहाँ पे एक और चीज बुक करवाना है। सादिक भैया ले रहे हैं अल्कज़ार। सादिक भैया अल्कज़ार कब बुक करवा रहे हो? नहीं आज नहीं, फिर कभी करवाएंगे, इतना पैसा एक ही दिन नहीं देना है, रेट पड़ जाएगा। तो बुकिंग वगैरह हो चुकी है फाइनली बाइक की। तो बुकिंग अमाउंट थी भाई 20,000 मांग रहे थे, तो मैंने 10,000 दिया है भाई, 10,000 बहुत है यार, 10,000 भी होना जेब में जरूरी है क्या? वो फिर निकालते हैं अभी अपनी गाड़ी, तो चलते हैं भाई आगे। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बाल वगैरह मैंने बिल्कुल भी सेट नहीं किया, जब तक बड़े बालों की एक दिक्कत है, अगर ड्रायर ना करो तो ये बेकार से लगते हैं। बाइक आने तो फिर पार्टी दूंगा, पहले किस चीज़ की पार्टी? नहीं नहीं भाई चलो भैया चलो, चलो यार चलो यार चलो, चाबी आपके पास है? मेरे पास है, आप सॉरी चलो करते हैं, चलो भाई नेस्ट कैफे। सो फाइनली गाइज यहाँ पे तुम चेक करो भाई अपनी गाड़ी ऐसी जगह पे लगी हुई है ना, यहाँ से सामने का व्यू तुम चेक करो, ये हमारे यहाँ का ना इंटरनेशनल DPS स्कूल है और सामने हमारी गाड़ी लगी हुई है। बोलो वो भी बोल रही है, हाँ सच है। तो बाकी अपने भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, फोटो शूट करने आए हैं, बट अपना फोटो शूट नहीं होने वाला क्योंकि मैं तैयारी करके नहीं आया बिल्कुल भी, बाल वगैरह मेरे पूरे बिखरे हुए हैं। तो ये था आज का एक छोटा सा मस्सा प्यारा सा व्लॉग, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, सिर्फ ये बुकिंग का व्लॉग है, तो कल देखते हैं अगर मोटो व्लॉग आएगा तो वेट करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना, गैस करना कि कौन सी बाइक हो सकती है कौन सी नहीं। तो मिलता हूँ कल एक अच्छी सी मस्सी प्यारी सी वीडियो के साथ।